नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वाट्स मैकेनिज्म के बारे में। जो वाट मैकेनिज्म है वो किस तरह की लिंकिंग का यूज़ करता है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये पॉइंट पी है ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से लिंक हैं। यहाँ पे ओ है और जो ये ओ वन है, ये दोनों ही फिक्स लिंक हैं। उसके बाद ओ बी और जो ओ वन ए, ये वाला जो लिंक है ये बिल्कुल पैरेलल लिंक हैं। अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन की बात करें, ए बी जो लिंक है वो परपेंडिकुलर है ए बी जो ओ बी है उसके, और ये ए बी परपेंडिकुलर है जो ओ वन ए है उसके। तो इस तरह से अगर आप इसकी स्टार्टिंग पोजीशन देखें तो इस तरह की स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी। ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा। जो ये बीच वाला, अब देखिए ये फिक्स है, ये फिक्स है। अगर आप इन दोनों को फिक्स कर दें तो जो ये लिंक मूव करेगा, ये लिंक मूव करेगा और बीच में से मूव करेगा, तो इस तरह से ही लिंक मूव करेगा। तो यहाँ और यहाँ ये फिक्स है, तो वाट जो मैकेनिज्म है उसके अंदर ये दो पॉइंट फिक्स होते हैं। ये लिंक मूव कर सकता है, ये लिंक मूव कर सकता है, और ये बीच वाला जो लिंक है इसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। यानी कि अगर बीच वाले लिंक को आप इस तरह से ले लें तो जब ये नीचे वाला लिंक इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और जो ऊपर वाला लिंक फोर्स लगाएगा तो ये इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करेगा जैसे जैसे लिंक चलेंगे। ये कौन सा लिंक है? ये वाला जो लिंक है, जब ये ऊपर फोर्स लगाएगा और ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो इस तरह से ये मूव करेगा। तो इसके अंदर जो ये पी है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो वो जब भी इस तरह से मूव करता है तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म भी बोला गया है। ये पहले यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन के अंदर पिस्टन को गाइड करने के लिए, जो पिस्टन रोड होती थी उसको गाइड करने के लिए सिलेंडर के अंदर। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है, जो ओ बी ए और जो ओ वन है, ये क्या है हमारा, एक क्रोज्ड जो मैकेनिज्म है, क्रोज्ड बार मैकेनिज्म है। देखिए ये जो है ओ बी के परपेंडिकुलर है, जो ए बी लिंक है, और जो ए बी है ओ वन ए के भी परपेंडिकुलर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसी फिगर के अंदर हम देख सकते हैं। ये जो पॉइंट पी है, ये हमने बात की कि अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ये कवर करेगा, मोशन लेगा सर्टेन पोजीशन के ऊपर, जो जब इसकी मूवमेंट होगी, इस लिंक की मूवमेंट होगी। तो अब इसके अंदर देखिए ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये इस लिंक की दिखाई गई है कि जैसे जैसे ये लिंक मूव करेंगे, और ये पी का ये जो है ये पी का दिखाया गया है कि जो पी है वो लगभग इस उसमें जाएगा, और ये लिंक इस तरफ जाएगा, और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा। तो इस तरह से दिखाई गई है डॉटेड जो है इन लिंक की और इस पी पॉइंट की, ये डॉटेड मोशन जो है ट्रेस करेंगे वो दिखाया गया है, जो डॉटेड में है कि जो ये ट्रेस करेंगे ये लिंक और ये लिंक और जो ये पी पॉइंट ट्रेस करेगा, तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसके अंदर हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि सर्टेन पोजीशन पे जो पी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन को ओबे करेगा, तो हमें क्या करना है, पी बी मान लीजिए जो ए और बी जो लिंक है, ए और जो बी लिंक है, अगर पी हम मान लेते हैं बिल्कुल इसके हाफ में कटा हुआ है, बिल्कुल इसके बीच में कटा हुआ है, तो हमें क्या प्रूव करना है, पी बी बाय पी ए, यानी कि जो ये पी है ये पी और बी बाय पी ए। अब जो पी बी है ये नीचे वाला है पोर्शन, तो इसके बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन जो ऊपर वाला लिंक है ये क्या है, ओ वन ए है, तो इक्वल टू पी बी के इक्वल टू आ जाएगा ओ वन ए, और पी ए, पी ए ये ऊपर वाला पोर्शन है तो ये नीचे वाला लिंक ले लेंगे, डिवाइड बाय जो है हमारे पास ओ बी, यानी कि बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें दिखाना है कि जो पी बी है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो लिंक की लेंथ है ओ वन ए, सॉरी पी बी जो है वो किसके बराबर है, बिल्कुल ओ वन ए के, और जो हमारा पी ए है, ये जो पी ए है वो किसके बराबर आएगा, ओ बी के। इस तरह से इस जो ये रेशो होगा वो इस रेशो के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम पहले मेन पोजीशन में मान लेते हैं कि पहले ये इस पोजीशन में है, तो ओ बी जो है बिल्कुल ओ वन ए के पैरेलल है, तो ये ओ बी लिंक जो है ए ओ वन के बिल्कुल पैरेलल रहेगा जो पहली पोजीशन होगी। और अगर हम ए बी का इंस्टेंटेनियस सेंटर देखें, तो यहाँ पे हमने ये लाइन लगाई है इंस्टेंटेनियस सेंटर की, तो वो लगभग इन्फिनिटी पे होगा। अगर इस पोजीशन में है ये जो पी बी लिंक है, इस पोजीशन में है, तो अगर इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर देखें तो वो तो इन्फिनिटी पे रहेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो ये आई दिखाया गया है। लेकिन क्या हो, अगर बी पोजीशन ले ले बी डैश की,
यानी कि जो बी गया मान लीजिए ये बी डैश पे आ गया, जब ये लिंक इस तरह से गया, ये पूरा लिंक इस तरह से गया, यानी कि ये लिंक जो है इस तरह से हुआ, ये यहाँ आ गया, अब ये इस तरह से हो गया और ये यहाँ पे इस तरह से मूव करने लग गया बीच में। तो पी, अब देखिए बी ने बी डैश की पोजीशन ले ली, ए ने ए डैश की पोजीशन ले ली, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, बी ने बी डैश की पोजीशन ले ली, न्यू पोजीशन की बात कर रहे हैं जो थीटा एंगल पे ली है। इसी तरह से ए ने ए डैश की पोजीशन ले ली जो कि हमारी ये फाई एंगल पे ली है। अब यहाँ पे देखिए जो आर्क है हमारी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आर्क बी बी डैश है, यानी कि ये बी बी डैश है, इसने जो पोजीशन ली है वो आर्क ए ए डैश के बराबर ली है, क्योंकि जितनी इसने ली उतना ही ये मूव करेगा। लेकिन जो आर्क बी बी डैश है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी इंटू थीटा, यानी कि ओ बी लिंक था और थीटा मूव हुआ वो, तो ओ बी इंटू थीटा इसको लिख सकते हैं। और आर्क ए ए डैश, जो ए ए डैश यहाँ से यहाँ ये लिंक गया है, कौन सा लिंक है, ओ वन ए है, और कितने एंगल पर गया है, ये फाइव एंगल है, तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं। तो दोनों को इस तरह से बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ से ओ बी बाय ओ वन ए जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा फाई बाय थीटा, ओ बी बाय ओ वन ए थीटा उस तरफ से चला जाएगा फाई बाय थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से ये तो आपने लिया कि जो हमारा ये आर्क मूव की, इसी तरह से जब ये पी जो है मान लीजिए पी डैश पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जब ये मूव करता है तो आप नई पोजीशन ले लेते हैं उसकी P डैश। तो यहाँ पे देखिए जो A डैश P डैश होगा, अब इसको हम लिखते हैं A डैश जो P डैश होगा, यानी कि ए जो हमारी ये पोजीशन आई है A डैश जो नई पोजीशन आई है, और ये जो P डैश है, तो ये किसके बराबर होगा, A डैश P डैश। इसी तरह जैसे ये आर्क बराबर हुई थी, इसी तरह से ये किसके बराबर होगा, आई पी डैश इंटू फाई, यानी कि जो आई है और जो ये पी डैश था और इनटू क्या है, ये फाई, यानी कि ये कितना एंगल गया, आई पी डैश कितना गया, फाई गया। तो ए ए डैश पी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, आई पी डैश इनटू फाई। इसी तरह से जो आपका आएगा बी डैश पी डैश, तो बी डैश पी डैश, यानी कि जो आपका ये बी डैश आया और ये पी डैश पॉइंट है, बी डैश पी डैश। अब ये इसने कितना ट्रैवल किया, यहाँ पे देखिए यहाँ फाई, ये नीचे एंगल थीटा है, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, तो ये थीटा है, तो बी डैश पी डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई पी डैश इन टू थीटा के, यानी कि एंगल का फ़र्क पड़ेगा बस, आई पी डैश वही रहेगा, यही लिंक रहेगा, ऊपर फाई गए वो, और अगर इसकी बात करें तो नीचे ये थीटा है, तो दोनों एंगल आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप अगर इसमें से निकालें कि जो ए डैश पी डैश है और डिवाइड बाय ए डैश पी डैश डिवाइड बाय बी डैश पी डैश कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ भी फाइव बाई थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइव बाई थीटा आ जाएगा, इसको इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास फाइव बाई थीटा आ जाएगा। अब मान लीजिए ये इक्वेशन सेकंड है, और ये जो इक्वेशन आई थी ये मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फाइव बाई थीटा फाइव बाई थीटा, ये राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, ए डैश पी डैश डिवाइड बाई बी डैश पी डैश इक्वल टू ये आ गया ओ बी बाय ओ वन ए, ये आ गया। अब यहाँ पे ए डैश जो पी डैश है, यानी कि ए डैश पी डैश है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको ए पी भी लिख सकते हैं, तो ए डैश पी डैश को आप ए पी लिख दीजिए, बी डैश पी डैश को बी पी लिख दीजिए, क्योंकि पी डैश ने भी तो पी से उतनी ही मूवमेंट ली थी, तो इसलिए इनको बराबर हम लिख सकते हैं, तो ये ओ बी और ओ वन ए इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो ओ वन ए है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ओ वन ए है, ओ वन ए अगर इसको हम दोबारा से ट्रांसफॉर्म करें ओ वन ए बाई ओ बी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी बी बाई पी ए, आपने इसको उल्टा कर दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, यही तो प्रूव करना था, पी बी बाई पी ए, यानी कि जो ये पी है ए बी लिंक को बराबर रेशो के अंदर डिवाइड करता है, तो पी बी बाई पी ए, पी बी बाई पी ए, और ओ वन बाय ओ बी, ओ वन बाय ओ बी, यानी कि जो हमारा पी है डिवाइड करता है लिंक ए बी को टू पार्ट्स के अंदर, जो लेंथ जिसकी लेंथ होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो लिंक हैं लेंथ के एडजस्ट लिंक हैं उनके, जैसे ओ वन ए है, जो ओ वन ए है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो हमारा पी ए के है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पी ए के है। और इसी तरह से जो ओ बी है,
इसमें आप देख सकते हैं ऊपर पी बी है, तो यहाँ पे ओ बी है, तो ये पी बी जो है इस तरफ ऊपर है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं। तो व्हाट मैकेनिज्म क्या था, दो एंड फिक्स रहेंगे, जैसे ये लिंक मूव करेंगे तो ये पी पॉइंट ट्रेस करता है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, और ये जो लिंक है इन मूवमेंट को हमने ये डोटेड में दिखाया है। तो ये था व्हाट्स मैकेनिज्म। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।